जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन पे हम बात करते हैं। हमको आज ये देखना है कि सेंटेंस में आपको एक पार्ट कोई सा बोल्ड कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो पहले हम कुछ बेसिक रूल समझेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सेंटेंस जैसे आपका दिया हुआ है अ मैन इज हियर, और आपका देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग के साथ में आप यहाँ देखेंगे यूज्ड एज, ये किस तरीके से यूज्ड हुआ है। जैसे फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल, सेकेंड में लिखा है आर्टिकल, तो अब हम समझते हैं कि आर्टिकल के जैसे कैसे यूज़ होता है। पहले आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल पे, तो आप एक चीज़ समझिए, जब भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या चाहिए रहता है, नाउन। नाउन से पहले जब भी हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव से पहले हम यूज़ करते हैं एडवर्ब का, और एडवर्ब से पहले हम किसका यूज़ करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, आपको ये समझना है। जब भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का तो आर्टिकल से पहले क्या चाहिए, नाउन। मतलब नाउन अगर रहेगा तो ही हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल का। सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हम समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। यहाँ लिखा है अ मैन इज़ हियर, सबसे पहले आप ये समझिए इज क्या हो गई आपकी, वर्ब। और आपको पता है किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब के जस्ट पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट आपका क्या रहता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं इज से पहले क्या लिखा है, मैन। मैन आपका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है आपका, तो ये जो आपका लिखा है ए, ये क्या है आपका, आर्टिकल, एक आदमी की बात कर रहा है। इज आपकी वर्ब हो गई, यहाँ पर हियर है, और आपको पता है जब भी हमें वेयर का आंसर मिलता है, वेयर मतलब कहाँ, आपने सेंटेंस पढ़ा अ मैन इज हियर, आदमी कहाँ है, यहाँ है, तो कहाँ का आंसर जो मिलेगा वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहता है, एडवर्ब। तो आपसे अगर पूछा जाए आर्टिकल क्या है इसमें, तो अ है, मैन क्या है, नाउन, इज हो गई वर्ब, और हियर क्या है आपका, एडवर्ब है। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, सबसे पहले फोकस करिए वर्ब पे। वर्ब से पहले ही लिखा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में बात करते हैं, अ लिखा है, गुड लिखा है, पर्सन लिखा है, तो आपको बोला गया नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, गुड, और ये जो ए लिखा है वो क्या है आपका, आर्टिकल। तो अलग अलग पार्ट्स में अगर देखा जाए तो इज पूछा जाएगा, तो इज क्या हुआ आपका इस सेंटेंस में, प्रोनाउन, इज हो गई वर्ब, ए आपका क्या हो गया, आर्टिकल, और नाउन, पर्सन क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, तो आपको याद रखना है एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है वो किसको करता है, नाउन को। नाउन की विशेषता बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का। यहाँ पे पर्सन क्या था आपका, नाउन, और पर्सन कैसा है, अच्छा, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ए आपका आर्टिकल है। आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ए, एन और द, तो ये आपके क्या कहला गए, आर्टिकल, आपको इस बात का याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका अबाउट, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है अबव, अब हम देखेंगे एडवर्ब का हम अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज करें। इस सेंटेंस में आप देखें गुड लिव्स अबव, यहाँ पे भी अबव है, यहाँ पे भी अबव है, आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे भी अबव है, और इस सेंटेंस में भी यहाँ पे भी अबव है। अब हम अलग अलग समझेंगे कि अबव का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस में अबव कैसा यूज़ हो रहा है, एडवर्ब, सेकेंड वाले सेंटेंस में अबव एडजेक्टिव एज अ यूज़ हो रहा है, थर्ड वाले सेंटेंस में अबव एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, फोर्थ वाले में अबव एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो ये कैसे यूज़ हो रहा है हमें इन्हें समझना है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एडवर्ब है,
एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है या तो वर्ब को या तो फिर एडजेक्टिव को। एडवर्ब दो चीजों को क्वालिफाई करता है, दो चीजों की विशेषता बताता है, या तो वो वर्ब में कुछ मीनिंग में ऐड करता है या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। सेंटेंस में हमने बोला है सबसे पहले आप किसको देखिए, वर्ब को। लिव्स क्या है आपकी? वर्ब। वर्ब से पहले आपका क्या यूज होता है? नाउन होता है। क्या यूज होता है? नाउन। अगर आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में गॉड क्या है तो नाउन है, लिव्स क्या है? वर्ब है। गॉड लिव्स अबव। गॉड कहाँ रहते हैं? अबव। अबव किसको क्वालिफाई कर रहा है? लिव्स को। लिव्स क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? एडवर्ब। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बट इसको समझिए, वर्ब को क्वालिफाई किया इसलिए इस अबव को क्या बोला हमने? एडवर्ब। अब आपका दूसरे सेंटेंस में बोला गया है अबव क्या है आपका? एडजेक्टिव। अब ये है कैसे इसको समझिए। सबसे पहले आपने देखा इज क्या है? वर्ब। आपको बताया वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ जो रूल लिखा है, रूल क्या है? नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। कौन सा रूल? तो ऊपर वाला रूल, अबव रूल। तो ये आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले हम ये क्या यूज कर रहे हैं? तो आर्टिकल। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसलिए आप सेंटेंस में सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं? इस पे, मतलब वर्ब पे। वर्ब से पहले हमेशा किसका यूज होगा? नाउन। नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव किया और ये आपका आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट का, किसका क्वेश्चन करते हैं? व्हाट का। व्हाट का आंसर जब भी मिलता है तो वो हमारा क्या रहता है? नाउन रहता है। द अबव रूल इज इंपॉर्टेंट। अबव रूल, रूल क्या है? इंपॉर्टेंट। तो क्या है? क्या है मतलब व्हाट? तो क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका यहाँ पे? नाउन। और नाउन से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? वेरी। और वेरी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की बात की है, एडजेक्टिव है, वो भी क्या है? अबव। हम एक एक चीज समझ रहे हैं कि सेंटेंस में कौन सी चीज क्या यूज हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे लिखा ऑल गुड थिंग्स कम। आपको बोला कम क्या है? वर्ब। अब वर्ब से पहले आपको पता है क्या आता है? नाउन। तो ये क्या हो गई थिंग? नाउन। नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? तो आपको पता है क्या है ये? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ये ऑल किसके लिए यूज हो रहा है? थिंग्स के लिए। थिंग्स क्या है? नाउन। नाउन की प्लेस में हम जिसे यूज करते हैं वो आपके लिए क्या रहता है? प्रोनाउन। क्या रहता है आपका? प्रोनाउन। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा ऑल क्या हो गया? प्रोनाउन। गुड हो गई एडजेक्टिव। थिंग्स क्या हो गया? नाउन। तो जब भी आप सेंटेंस सॉल्व करें तो वर्ब पे फोकस करें। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है फ्रॉम, यहाँ लिखा है अबव। ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम अबव, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अबव क्या है, आपने आंसर देखा अबव क्या है आपका? नाउन। अब दिक्कत क्या है? नाउन तो चलिए आप मान लीजिए कि अबव नाउन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये फ्रॉम क्या है? फिर अगर हम बात करेंगे अबव अगर नाउन है तो फ्रॉम क्या है? अब आपको एक छोटा सा रूल समझना है कि जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद में हमें हमेशा क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब प्रीपोजिशन क्या बताता है? इसी आने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों बोल सकते हैं आप। इसकी क्या बताता है? पोजिशन बताता है। ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम वेयर, तो वेयर का आंसर दे रहा है अबव, है ना। तो ये अबव को क्वालिफाई करने वाला ये क्या कहलाया? फ्रॉम, आपका प्रीपोजिशन कहलाया। और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या रहता है हमारा? नाउन। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या रहता है हमारा? नाउन। तो आपको यहाँ देखें फ्रॉम क्या है आपका? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज हुआ? अबव नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है अदिति स्टूड हाई, आपका स्टूड क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले अदिति क्या है आपके लिए? नाउन। और आपने देखा स्टूड कहाँ खड़ी? हाई। हाई क्या हुआ आपका? एडवर्ब। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टूड को। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला आपका क्या कहलाया? एडवर्ब। यहाँ पे लिखा है अबव। अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी हम यूज करते हैं, है ना, जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में क्या चाहिए? नाउन। बट हम प्रीपोजिशन के बाद में आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, और आर्टिकल के बाद में क्या आएगा? नाउन। और नाउन क्या करेगा? उसकी पोजिशन बताएगा। अदिति स्टूड हाय अबव द रेस्ट, ये रेस्ट क्या है आपके लिए यहाँ पे? नाउन। नाउन से पहले क्या है आपका? आर्टिकल। और आर्टिकल से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? अबव। तो ये अबव क्या है आपका? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर होंगी। अदिति स्टूड हाई अबव द रेस्ट, तो यहाँ जो अबव यूज हुआ है वो किसकी तरह यूज हुआ है? प्रीपोजिशन की तरह, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा यहाँ पे अबव था आपका किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। यहाँ अबव था क्या? नाउन की तरह। यहाँ अबव किस चीज की तरह यूज करते हैं हम? नाउन की तरह।
यहाँ पे एवर यूज़ किया हमने प्रिपोजिशन की तरह, तो ये होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड को हम अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है अबाउट, अब इसे हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है मीनिंग, लिखा हुआ प्रायः लगभग, पहले में हम यूज कर रहे हैं एडवर्ब की तरह, सेकंड में यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन की तरह। प्रीपोजिशन का याद रखिएगा, प्रीपोजिशन जब भी होगा तो प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए, क्या चाहिए इनके बाद में, या तो नाउन या इसके बाद में क्या चाहिए, प्रोनाउन, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, या तो वर्ब को या फिर किसको करेगा, एडजेक्टिव को। सेंटेंस पे आते हैं, ही वंडर्ड अबाउट एमलेसली, है ना, वो इधर उधर घूम रहा है ना, आसपास ही घूम रहा। तो ये जो अबाउट क्वालिफाई कर रहा है, ये किसे क्वालिफाई कर रहा, वर्ब को। किसको क्वालिफाई कर रहा, वर्ब को। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई आपकी, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब तो हुई, और ये जो एमलेसली लिखा है बेटा, ये भी क्या है आपका, एडवर्ब है, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। देयर इज के पहले ये जो देयर लिखा है, ये क्या है आपके लिए, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, ये हिम क्या है आपका, प्रोनाउन। और आपको जस्ट अभी बताया कि जो प्रीपोजिशन होता है वो किसे क्वालिफाई करता है, या उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ जो अबाउट है वो क्या है आपके लिए, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्ट दिया है। अब एक्ट को समझ लेते हैं, एक्ट का अलग अलग तरीके से यूज किया है। यहाँ लिखा है हिज एक्ट ऑन द स्टेज वॉज गुड, है ना। अब एक चीज़ समझिए, जब भी हम यूज़ करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का, किसका यूज़ करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं आई का पजेसिव होता है माय, है ना, ही का पजेसिव होता है हिज, ये आपको पता होगा, प्रोनाउन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा हिज, तो हिज के बाद में हमेशा क्या चाहिए मुझे, नाउन। जैसे हम बोलते हैं माय फ्रेंड, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये जो माय है और ये फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, नाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है वो क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। एक्ट क्या है आपका, नाउन। जब हम बात करते हैं ऑन, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद में ये जो द है वो क्या है आपका, आर्टिकल। और आपको ये भी पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में और आर्टिकल के बाद में, जनरली हम दोनों के बाद में बात करें, प्रीपोजिशन के बाद में और आर्टिकल के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन। तो ये जो स्टेज है आपका क्या है, नाउन। ये वॉज क्या हो गई आपकी, वर्ब। यहाँ पे जो लिखा हुआ है गुड, अब पूछा क्या था आपसे कि इसमें एक्ट क्या है, क्या एक्ट, तो एक्ट तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जस्ट क्या आता है आपका, नाउन। जैसे हम यूज करते हैं माय फ्रेंड, माय फादर, माय बुक, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है आपका, नाउन आता है। तो एक्ट तो आपको क्लियर, एक्ट क्या है, नाउन, नाउन आपका दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ऑन के बाद में भी क्लियर कर दिया, द आपका आर्टिकल, स्टेज आपका नाउन, वर्ब आपकी हो गई। अब यहाँ पे बोला गया हिज एक्ट ऑन द स्टेज वॉज गुड, अच्छा क्या था, एक्ट। तो अगर हम बात करते हैं नाउन को क्वालिफाई, ये एक्ट क्या है, नाउन, नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है आपका, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव। जो गुड है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। आपको ये बेसिक चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स हमें कहाँ से कवर करने हैं। अब ये कंप्राइजेस लिखा हुआ है, ये आपके लिए क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले क्या आया आपका, नाउन, और नाउन से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइव एक्ट्स, अब ये जो एक्ट्स है वो क्या है, नाउन है। जो प्ले है वो कितने कंप्राइजेस करता है, फाइव एक्ट्स करता है। तो ये एक्ट्स क्या हुआ, नाउन। और नाउन से पहले ये जो फाइव लिखा है वो आपके लिए क्या रहेगा, एडजेक्टिव। रीजन, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका क्या रहता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, अमिताभ हैज एक्टेड, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक्टेड मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। अमिताभ आपका क्या हो गया, नाउन। रीजन, वर्ब से पहले हमें हमेशा क्या मिलता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अमिताभ हैज एक्टेड, कैसा एक्ट किया, वेल। वेल क्या हो गया आपका, एडवर्ब। रीजन, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, एक्ट को। यहाँ पे हम देखते हैं इन क्या है आपकी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या यूज किया, आर्टिकल। और दोनों के बाद में क्या चाहिए हमें, नाउन। तो ये जो फिल्म है वो क्या हो गई, नाउन। तो आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ से क्लियर करनी है, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से किसी से के बारे में पूछ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आठ चीजें हैं, आठ में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। अंडरलाइन कर देगा, आपसे पूछेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है। यहाँ बोला गया द मशीन डज नॉट एक्ट वेल, ये डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई।
ये एक्ट आपका मेन वर्ब हो गया, वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो आता है वो आपका क्या रहता है, नाउन, और नाउन के पहले जो दिस लिखा है, दिस आपका क्या है, एडजेक्टिव, क्या हुआ, एडजेक्टिव। दिस मशीन डज नॉट एक्ट वेल, ये जो काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही, अच्छा, तो जो एक्ट कर रही है वो कैसा नहीं कर रही, अच्छा, तो ये जो एडवर्ब होगा ये वेल क्या होगा आपका, एडवर्ब, ठीक है। तो क्लियर होंगी ये चीजें, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए अब यहां सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, नेहा विल गो नाउ, अ मैन विल कम आफ्टर, है ना, अ मैन विल कम आफ्टर, आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आफ्टर किसे क्वालिफाई कर रहा है, इस चीज को समझिए, यहां लिखा क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब कर रहा है मतलब वर्ब को क्वालिफाई करेगा। नेहा आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई या मॉडल बोल दीजिए, गो आपकी मेन वर्ब हो गई, नेहा विल कम, सॉरी नेहा विल गो व्हेन, तो व्हेन का आंसर क्या कर रहा है, नाउ, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ए आपका क्या हो गया, आर्टिकल, मैन क्या हो गया, नाउन, ये वापस से आप मॉडल यूज कर रहे या ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, ये आपकी वर्ब हो गई। अब बोला गया नेहा विल गो नाउ, नेहा जाएगी, है ना, अभी जाएगी, अ मैन विल कम आफ्टर, आदमी कब आएगा, उसके जाने के बाद, तो जब हम बोलते सॉरी आने के बाद, आने के बाद मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आदित्य केम आफ्टर मी, आदित्य मेरे बाद आया, ये जो है प्रोनाउन है, और आपको बताया था अगर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। आप देखें यहाँ पे किसकी तरह यूज कर रहा, पीछे पीछे, है ना, आदित्य केम आफ्टर मी, आदित्य मेरे पीछे पीछे आया, तो हम बात किसको कर रहे हैं, क्वालिफाई प्रोनाउन को कर रहे हैं, प्रोनाउन को क्वालिफाई यहाँ पे कौन कर रहा है आपका, प्रीपोजिशन, ठीक है। विजयश्री केम आफ्टर नीलू हैड गॉन, देखिए ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, सेंटेंस, और ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। आपने पढ़ा है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का, दो सेंटेंस दो वर्ड्स को दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन। विजयश्री केम आफ्टर ही नीलू हैड गॉन, है ना, विजयश्री आई का भाई, नीलू के जाने के बाद, जब नीलू जा चुकी थी उसके बाद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिनर रीप द कॉन्सिक्वेंसेस इन आफ्टर डेज। अब देखिए यहाँ पर जो हम देखते हैं सिनर्स रीप, है ना, रीप आपकी क्या है, वर्ब, सिनर्स क्या हो गया आपके लिए, नाउन हो गया, ये बात क्लियर होगी, वर्ब से पहले हमेशा नाउन का यूज होगा। द आपको बिल्कुल क्लियर है, द क्या है आपके लिए, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो द आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या चाहिए हमें, नाउन, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन, और प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए रहता, नाउन। बट ये चीज जो आ रही है ये किसके पहले आ रही है, डेज की, तो डेज क्या है आपका, नाउन, और आपको पता है नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का, तो ये जो आफ्टर है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव, आफ्टर क्या रहेगा आपका, एडजेक्टिव, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। तो छोटी छोटी पॉइंट्स रखिएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले प्रीपोजिशन, मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल होता तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यूज होता, और आर्टिकल पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एन द, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको एक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद में हम या तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, नाउन। ये आप स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद में हमें हमेशा क्या चाहिए रहता है, नाउन, उसके पहले हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमेशा याद रखें एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई करेगा, किसको, एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब, और हम एक ही एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब हम सेंटेंस में दो एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। आगे आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही डाइड एट द एज ऑफ 75, है ना, एज की बात कर रहा है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या मिला, आर्टिकल, और आपको बोला दोनों के लिए आर्टिकल और प्रीपोजिशन दोनों के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन, तो ये जो एज है बेटा वो क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। यहाँ देखिए हम एज क्या है आपका, नाउन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइड आपकी क्या हो गई, वर्ब, और ही क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया,
प्रोनाउन। अब यहाँ पर ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में जो चीज़ मिल रही है वो आपके लिए क्या है? नाउन। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहाँ हैज़ आपकी कौन सी बात है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या मिला आपको? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले क्या आता है आपका? नाउन। तो जो ग्रीफ है वो क्या है? वो आपके लिए नाउन। दिस मैन, मैन क्या हो गया आपके लिए? नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला आपका क्या कहलाता है? ये जो दिस है आपका क्या रहेगा? एडजेक्टिव। क्या रहेगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। लिखा हुआ है द हंट एम्ड। आपको पता है कि अगर किसी भी वर्ड में ईडी जुड़ा है, वो भी सब्जेक्ट के बाद में, हंटर क्या है आपका? सब्जेक्ट। एम्ड लगा है, एम्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। एम्ड क्या हो गया आपके लिए? वर्ब। वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं? नाउन का। ये हंटर है वो क्या है आपका? नाउन। नाउन से पहले द आपको क्लियर होगा, ये क्या है आपके लिए? आर्टिकल है। क्या हो गया? आर्टिकल। हम बात करते हैं एट। आपको पता है एट क्या यूज होता है हमारा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में देखें यहाँ पे द क्या हो गया आपका? आर्टिकल। अब आपको एक और चीज़ क्लियर होगी कि प्रीपोजिशन भी आ गया, आर्टिकल भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए? नाउन। तो ये जो लायन लिखा है बेटा, ये क्या है आपके लिए? नाउन है। पॉइंट क्लियर होगा। शी हैज़ नो एम इन लाइफ। देखिए सबसे पहले नजर जाती है इन पे, तो इन आपके क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद में क्या चाहिए? नाउन। ये बिल्कुल नाउन है ना। हैज़ वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। अब हम आते हैं नो और एम पे। पूछा गया है आपका एम क्या है। अगर हम बात करते हैं एम की, तो शी हैज़ व्हाट, व्हाट का आंसर जो देता है आपका? नाउन होता है। तो शी हैज़ एम, शी हैज़ व्हाट, शी हैज़ एम। एम आपका क्या हो गया? नाउन। और आपसे कभी ये पूछ लेगी ये नो क्या है, तो आप बोलेंगे ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है द मैन गिव्स हिमसेल्फ, है ना। अब देखिए आपने इतनी चीज़ें तो पढ़ ली, अब इसमें अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए द लगा हुआ है, द के बाद में आर्टिकल, ये क्या है आपका? आर्टिकल। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे। आर्टिकल के बाद में हमेशा जो चीज़ आएगी वो आपकी क्या रहेगी? नाउन। आंसर चेक करें, क्या है ये आपका? नाउन। आर्टिकल यहाँ पे भी है, आर्टिकल के बाद में क्या आएगा? नाउन। आप देखें इसी रो की बात कर रहा है, ये क्या है आपका? नाउन। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में एयर से ये वी फाइव है, है ना। तो ये क्या कहलाई? वर्ब। और वर्ब से पहले आपका प्रोनाउन। तो आपसे ये पूछा गया था एयर्स क्या है आपका? वर्ब है। तो आप एक ही सेंटेंस में देखें, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, और यहाँ पे हम किसको यूज कर रहे हैं? वर्ब को। ये क्या है आपकी? वर्ब है। हवा में सुखाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑल क्या है। क्या है? ऑल। दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों जगह अलग अलग ऑल का यूज कर रहा है। अब हम शॉर्टकट देखते चलेंगे, क्योंकि अब क्या है कि अब आप चीजों को समझ चुके हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये जो ऑफ है वो क्या है आपका? प्रीपोजिशन। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए रहता है? नाउन चाहिए रहता है, है ना। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल। क्या दिया हुआ है? ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ, और ये जो है ये कहलाती है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अभी हमारी बात हुई थी माय फ्रेंड वाले पे, क्या बोला था? माय फ्रेंड। माय आपका होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में ये चीज़ क्या हो गई आपकी? नाउन। तो जो हिज है, हिज के बाद में जो लिखा हुआ है वेल्थ, वेल्थ क्या होगा आपका? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अब हम बात करते हैं ऑफ। प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो ऑल लिखा हुआ है वो आपका क्या है? प्रोनाउन। लिखा हुआ है प्रोनाउन, है ना, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो आपका वो क्या है? नाउन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑल, मैन, ये जो शुड है आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हमें क्या मिलता है? नाउन। और नाउन से पहले ये जो लिखा है ये आपका क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। यहाँ आप देखें क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले जो चीज आ रही है वो आपकी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये ऑल क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या हुआ आपका? नाउन हुआ। ठीक है, तो हम एक ही वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इस ऑल के बारे में। ठीक है, अब यहां पर बोला गया आपको ये क्या है आपका? एडवर्ब है। असेंट लिव्स ऑल अलोन, है ना।
असेंट लिव्स, लिव्स क्या है आपकी वर्ब, कैसे रहता है सभी के साथ, है ना, अकेले, ऑल अलोन मतलब अकेले रहता है, तो ऑल किसको यूज कर रहा है वर्ब को, तो क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब कहलाएगा। यहां पर बोला गया है ऑल को ही क्वालिफाई करना है, है ना, ऑल ऑफ हिज बुक्स आर न्यू, ये क्या हो गया आपका वर्ब, वर्ब से पहले आपका नाउन, नाउन से पहले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या हो गया प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन ये ऑल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, क्या हुआ प्रोनाउन, ये लिखा हुआ आपका प्रोनाउन। मैंने आपको बोला ना ऑल का यूज हम करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस अच्छा है, आप इसको समझिएगा, अगर हम बात करते हैं कैन आपका बोला ऑक्सिलरी वर्ब होती है, है ना, मॉडल भी हम बोलते हैं, इनके बाद में पहले जो मिलती है वो हमेशा क्या रहेगी नाउन, और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है आपका एडजेक्टिव, ये तो आपको चीज़ें याद हो गई है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो आपका एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, फर्दर लिखा हुआ है ना, शी शुड नॉट गो एनी फर्दर, है ना, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, है ना, कहीं दूर नहीं जाएगी, फर्दर का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब, ये क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब, इस चीज़ को समझिएगा, गो को ही फर्दर यूज कर रहा है तो ये क्या कह रहा है एडवर्ब, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अब इसको हम समझते हैं, शी शुड नॉट गो एनी फर्दर, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एडवर्ब है, और आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब भी हम यूज करते हैं एडवर्ब को ही कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब यूज करता है, कौन क्वालिफाई करता है एडवर्ब, शी शुड नॉट गो एनी फर्दर, है ना, वो कहीं दूर नहीं जाएगी, कहीं दूर नहीं जाएगी, तो फर्दर भी एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला अनदर एडवर्ब कहलाता है, तो ये भी क्या हुआ एडवर्ब। मान लीजिए आपसे पूछता है ये फादर क्या है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी क्या है एडवर्ब, क्योंकि दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं जाने के लिए, गो के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है एनी ऑफ दीज बॉयज कैन, कैन के पहले नाउन, ये हो गया आपका दीज एडजेक्टिव, क्या हुआ एडजेक्टिव, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, और ये जो लिखा है एनी ये आपका क्या कहलाएगा प्रोनाउन, क्या कहलाएगा प्रोनाउन, यहाँ पे आप देखें तो क्या लिखा हुआ है प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखिए जब इस क्वेश्चन पे आते हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा मिलेगा कि अंडरलाइन कर दिया है, आपसे क्या पूछेगा कि ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने देखा हर ये क्या कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद में हमेशा क्या रहता है नाउन, आपने तुरंत टिक न करना है कि ये क्या है आपका नाउन, बात खत्म। आर आपकी कौन सी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका ये क्या यूज हो रहा है वर्ब ही यूज हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस आपको ये चीज करनी है एग्जाम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस आपको टिक करना है कि ये चीजें है क्या आखिर। देखिए जब हम बात करते हैं दो चीज समझिएगा, एक होता है एज और एज, और एक होता है सो एज, ये आप एडवर्ब में पढ़ते हैं, एज एज का यूज करते हैं हम पॉजिटिव के लिए, सो एज का यूज होता है नेगेटिव के लिए, सो के साथ में हमेशा क्या लगता है आपका नॉट लगता है, तो आपसे पूछा गया दिस पेन इज नॉट सो, और यहाँ पे क्या लिखा है एज, तो ये एज क्या है तो आपका क्या है ये एडवर्ब है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, हम जब भी यूज करते हैं तो एज एज और सो एज का यूज करते हैं, है ना, द सेम एज, और एक यूज होता है द सेम दैट, और ये आपके कहलाते हैं कंजक्शन, क्या कहलाते हैं आपके कंजक्शन, है ना, ये प्रोनाउन बोल रहा है बट हम ज्यादातर यूज करते हैं तो क्या कहलाते हैं कंजक्शन यूज करते हैं, है ना, ये गलत है आपका, इसको आप क्लियर रखें, ये आंसर गलत है, आप जब भी यूज करते हैं तो ये क्या रहता है कंजक्शन यूज होता है, क्या होता है कंजक्शन, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं आप कंजक्शन पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा आपने, द सेम एज यूज होता है द सेम दैट यूज होता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं कंजक्शन कहलाते हैं, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है आपके कंजक्शन है, ठीक है। एज विनय वॉज एंग्री, जैसे कि विनय एंग्री था, हिज सन डिड नॉट स्पीक टू हिम, उससे बात नहीं की, एज मतलब जैसा, जैसा हम यूज करते हैं तो ये किस में यूज करते हैं कंजक्शन में, तो ये भी बेटा कंजक्शन है और ये वाला भी आपका क्या हुआ कंजक्शन, आप इसको याद रखेंगे, द सेम मिलता है उसके साथ में एज होता है, द सेम के साथ में हम दैट भी यूज करते हैं, ठीक है, दो कंजक्शन हम पढ़ते हैं इसमें। देखिए इस सेंटेंस की बात करते हैं, इस सेंटेंस में समझिएगा, ठीक है, इंडिया मेड, मेड जैसा आप देखते हैं तो मेड आपकी क्या है वर्ब है, क्या है वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा आपको बोला है क्या रहता है नाउन, तो
सॉरी इंग्लैंड है, इंग्लैंड मेड नो अटेम्प्ट, क्या नहीं किया उन्होंने, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या हुआ आपका नाउन, और नाउन से पहले हमेशा ये जो नो लिखा है, नो क्या है आपका एडजेक्टिव। मान लो अगर आपसे पूछ लिया कि ये नो क्या है तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव है, ठीक है। टू विन ये इन्फिनेटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, द आपका आर्टिकल हुआ, और आपको पता है आर्टिकल के बाद में ये जो मैच लिखा है ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया। अटेम्प्टेड दिया है ये सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं वर्ब, रीजन नाउन के बाद में कोई चीज़ आ रही है तो वो क्या है आपकी वर्ब होती है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में, और उसके पहले द भी लगा, द लगा है तो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में ये क्या कहलाया नाउन, नाउन के बाद में ये क्या है वर्ब है। बहुत ईजी हो जाता है जब आप बेसिक चीज़ें आपको क्लियर रहती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, तो उसके बाद में हो जाता है। अब जैसे अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का जब भी हम यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का, उसके बाद में क्या आता है नाउन, तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं ये क्या है आपका नाउन। आई के बाद में बैक दिया है, अब सब्जेक्ट है प्रोनाउन, इसके बाद में जो बैक है वो क्या रहेगी आपकी वर्ब, क्या रहेगी वर्ब, ये देखिए आप क्या है वर्ब। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये बैक को आपको बताना है कि ये क्या है, यहाँ पे वर्ब था यहाँ पे नाउन था, अब इसमें देख लेते हैं ये क्या है, स्टूडेंट वेंट, वेंट वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन, ये बाय हो गया आपका प्रीपोजिशन, ये द हो गया आपका आर्टिकल, और पता है प्रीपोजिशन और आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या चाहिए नाउन, तो ये नाउन है वो क्या है आपका डोर है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा बैक, यहाँ पे क्या हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई जो करता है वो आपका एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप बैक क्या था नाउन, यहाँ पर बैक था वर्ब, यहाँ पर बैक था एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं नरेश केम बैक, वापस आया, वापस आया मतलब वर्ब को क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई किया तो ये क्या कहलाया आपका एडवर्ब। आप यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है एडवर्ब। तो यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगे, आगे आगे अब ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है जब आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का पता रहता है, ये क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में जो भी चीज़ है वो आपके लिए क्या है नाउन, तो यहाँ बैंक्स क्या है नाउन, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो है वो आपकी मेन वर्ब कहलाएगी, तो आप क्या बोलेंगे ये वर्ब है। तो यहाँ देखिए आप ये क्या है वर्ब और यहाँ पे क्या है नाउन, एज इट इज, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वापस से वही वाली चीज़ आ गई है, अब इसको समझो, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको पता है माय क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगा नाउन। तो अगर आपको रूल्स क्लियर रहते हैं तो आपको इशू नहीं आएगा कहीं से कहीं भी। यहाँ लिखा है ही प्रोनाउन है, इसके बाद में हमेशा क्या मिला आपको वर्ब, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस तो आपका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज़ कर रहे हैं वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी जस्ट आपको बताया था कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए, आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बाद में हमें हमेशा चाहिए नाउन, ठीक है, क्या चाहिए नाउन, ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में ये जो बैटल लिखा है वो क्या हुआ आपका नाउन हुआ, ये लिखा है दे बैटल्ड, अब ईडी लगा है सब्जेक्ट के बाद में है तो ऑब्वियसली ये क्या हुई आपकी वर्ब हुई, है ना, ये क्या हो गई आपकी वर्ब, ये देखिए ये वर्ब है अब वो क्या हो गया आपका नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई बॉट अ बैट फॉर भोलू, वही वाली चीज, आर्टिकल के बाद में हम किसका यूज करते हैं नाउन का, तो ये आर्टिकल के बाद में यूज हुआ तो ये क्या है आपका नाउन, और इसके बाद में ये क्या हो गई वर्ब, और वर्ब कौन सी है फोर्थ फॉर्म इन वर्ब है, ये हो गई आपकी वर्ब और ये क्या हो गया आपका नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई रीच्ड आगरा बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, तो सनसेट की पोजिशन बता रहा है, पोजिशन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, तो ये जो बिफोर है वो क्या है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में सनसेट बेटा नाउन होता है, ये सनसेट क्या है आपका नाउन, इसलिए वो प्रीपोजिशन हुआ, है ना, ही हैज़ सीन नेवर सीन मी बिफोर, है ना, वो मुझे पहले नहीं दिखा, है ना, कब नहीं दिखा पहले, नहीं दिखा पहले, पहले की बात कर रहा दिखने की, ये हो गई आपकी वर्ब, और हम इसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है एडवर्ब, क्योंकि जब इसकी हिंदी कर रहे हैं शी हैज़ नेवर सीन मी बिफोर, वो मुझे पहले नहीं दिखा, कब नहीं दिखा पहले, दिखने की बात हो रही वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, सी मी एक पूरा सेंटेंस हुआ, बिफोर यू गो टू कॉलेज, ये बिफोर है तो बिफोर क्या कहलाएगा आपका कंजक्शन,
दो सेंटेंस को जोड़ा, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, वो पूरे के पूरा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। दो सेंटेंस को कनेक्ट वाले करने को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पे बिफोर कंजक्शन है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन। यही खासियत है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आप जिस वर्ड को जहां जैसा यूज करेंगे सेंटेंस में वो उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। देखिए अब आपने रिपीट कर रहा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में आपको तुरंत आंसर आना चाहिए, सर ये क्या है, नाउन। बेल द काउ, द नाउन, सॉरी आर्टिकल, काउ क्या हो गया आपका, नाउन। और सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहा बेल से, बेल द कैट यूज करते हम, इडियम्स यूज करते हैं। बेल क्या है आपकी, वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस कह रहा है, ये किससे चालू हुआ, वर्ब से चालू हुआ, ठीक है। ओपन द डोर चलता है, सेम यहीं पे वो चीज है। अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि आर्टिकल के बाद में अब क्या आता है हमारा, नाउन। कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी के बाद में हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी ए वर्ब है और यहाँ पे क्या है, नाउन। हिला लीजिए, ये क्या है आपकी, वर्ब, ये क्या है आपका, नाउन। ये भी बहुत इजी हो जाता है, जब आपको एक चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आर्टिकल लगा हुआ है, ये क्या हो गया आपका, नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है, ये क्या हो गया, नाउन। सोचना ही नहीं है आपको, आपने आर्टिकल देखा या प्रीपोजिशन देखा, उसके बाद में नाउन, ये क्या है आपके, नाउन है। ये सेंटेंस देखते हैं, द डॉग बाइट। अब ये बाइट दी है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है और ये आपकी आर्टिकल हो गई। अब सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी बेटा, वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। तो ये बाइट क्या हो गई, वर्ब। ये देखिए आप, क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब हम क्वेश्चन जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्लैक, हमको क्या बताना है, ब्लैक को बताना है। इस चीज को समझिएगा, ये जो लिखा हुआ इन है, ये आपके लिए क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। और आपको प्रीपोजिशन के बाद में क्या मिलेगा, नाउन। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नाउन। तो ये जो ब्लैक है वो भी क्या है आपका, नाउन है। मोहन ब्लैक कैंडिडेट है ना, मोहन आपका क्या हुआ, नाउन। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब। ये हिज क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्ट है, पजेसिव एडजेक्ट का जो फेस है वो क्या है आपका, नाउन। तो जो जो पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद में हम उसके भी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल के बाद में ये शर्ट क्या है आपकी, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव। तो ब्लैक क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव। अभी हमने पूरे रूल्स देख लिए, हमें जितने रूल्स कवर करने थे हमने वो रूल्स देख लिए हैं, अब हम इस पे बात करेंगे, है ना। अब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपको एग्जांपल्स दिया रहता है, एक किसी भी वर्ड के बोल्ड कर देगा, अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं तो चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, चार ऑप्शन में आपके कुछ भी हो सकते हैं, या तो आपको दे देगा नाउन है, या पूछ लेगा प्रोनाउन है, या आपसे पूछ लेगा एडजेक्टिव है, या पूछ लेगा एडवर्ब है, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने अगर रूल पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम आते हैं रूल्स के ऊपर, ठीक है। अब सेंटेंस जैसे दिया हुआ है आपका, एक मिनट इसे एडजस्ट कर लें थोड़ा, हाँ जी। सेंटेंस दिया हुआ है, ही कीप द फास्ट, आपको जस्ट बताया है। अब जो जो पॉइंट्स बोलूंगा बेटा लिखते चलना, है ना। आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या मिलता है आपको, नाउन मिलता है। अगर एडजेक्टिव है तो बात अलग है, लेकिन आर्टिकल के बाद में जनरली हमें क्या मिलता है, जस्ट बात की बात कर रहा तो नाउन है। रीजन क्या है, ये फॉर प्रीपोजिशन हुआ, ये आपका आर्टिकल हुआ, ये क्या हुआ आपका, नाउन। और हमें क्या पूछा गया, ये पूछा गया, ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में क्या मिलता है, नाउन। तो ये फास्ट आपका क्या हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है ना, मोमेडियंस फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अब आप इस चीज को समझिए, मोमेडियंस जो लिखा हुआ है वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है। तो आपको जस्ट मैंने बताया था, ये सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिएगा, आपको पहले भी बताया है वो। अब जो जो पॉइंट बताते जा रहा हूँ बेटा लिखते चलना, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ में हम रूल भी कवर कर लेंगे और चीजें क्लियर रहेंगी। वर्ब से पहले हमेशा रहता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब यहाँ जो लिखा हुआ स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वो क्या हुआ आपका, नाउन। और आपको नाउन के बाद में क्या मिलता है, तो ये क्या है आपकी, वर्ब है। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है आपका, वर्ब, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल जैसे मैंने
किया तो आपको एक चीज मिली जो हम इतने देर से देख रहे हैं। आर्टिकल के बाद में क्या मिलता है बेटा? नाउन। लेकिन यहां पर ये चीज क्या है? नाउन। तो आपको अभी एक रूल लिखवाया था, उसी में दूसरे रूल यहीं पे आ जाते हैं। अगर आर्टिकल है और आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई चीज आ रही है, किसके बीच में? नाउन और आर्टिकल के बीच में, तो ये चीज क्या हो गई आपकी? एडजेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। सबसे स्टार्टिंग में ही आपको लेक्चर स्टार्ट करते समय बताया था, नाउन से पहले या नाउन को जो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और आर्टिकल का यूज करते हैं। और ये आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए। तो ये जो है वो क्या है आपका? आर्टिकल। यहाँ जो पूछा गया है राइट क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और इनके बाद में क्या चाहिए हमें? नाउन। तो ये नाउन दिया होगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा प्लेस है? राइट प्लेस। तो ये क्या हो गया आपकी? एडजेक्टिव। ये तो आपने सेंटेंस देखते ही आंसर कर दिया होगा। रीजन क्या है? आपको चीजें एक चीज तो क्लियर हो गई है, ये आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद में क्या मिलता है हमें? अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या हो गई हमारी? नाउन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट ही सेज। अब देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा। देयर इज व्हाट, तो बोलेंगे ट्रूथ। ट्रूथ क्या हुआ? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। देयर इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल रहा ट्रुथ, तो ट्रुथ क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना। वहां क्या है? तो सच है। और सच कितना? तो बहुत सच है, ज्यादा सच है। तो हम यू यूज करेंगे, जो ये मच है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। रीजन, ये ट्रुथ क्या है आपका? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, और इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं क्राई, है ना, क्राई एंड लिटिल वुल। अब एक चीज समझिए, ये एंड क्या है आपका? कंजक्शन है। कंजक्शन के साथ में हम दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं। यहाँ जो वुल लिखा है, वुल का मतलब वही होता है एज इट इज, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन। क्राई का मतलब भी वही हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप ऐसा कोई भी वर्ड लीजिए जिसका नाम कुछ है, तो वो अगर वही है तो वो नाउन होता है, ठीक है। तो ये जो क्राई है, क्राई भी क्या है आपका? नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला है ना क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव। और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है नाउन, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है आपका? एडजेक्टिव। तो दोनों नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये, डोंट बोस्ट टू मच। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू हो सकता है कि सर ये मच एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था तो मच क्या था आपका? एडजेक्टिव था। बट एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, इस चीज को याद रखें आप। अगर आप इसे एडजेक्टिव बोलेंगे तो आप एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को। अब आप एक सेंटेंस देखिएगा जो लिखा हुआ है, उसमें कहीं से कहीं नाउन नहीं दिया हुआ है। डोंट बोस्ट टू मच, है ना। बोस्ट मतलब डिंगे हांगना, है ना। ज्यादा मत फेंको, कितना मत फेंको? ज्यादा। तो बहुत ज्यादा के लिए हम क्या यूज करें? टू। ये नेगेटिव सेंस जाता है। तो ये जो फेंकने की बात हो रही है ज्यादा, तो उसी की बात कर रहा। तो ये बोस्ट क्या है आपकी? वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव नेगेटिव है। डू के बाद में बोस्ट दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। अब इसे क्वालिफाई कर रहा, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी हम यूज करते हैं तो एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो अनदर एडवर्ब होता है। क्या होता है? अनदर एडवर्ब। तो ये वाली जो टू लिखी है, टू भी बेटा क्या है आपकी? एडवर्ब। और ये जो मच लिखा है, मच भी क्या है आपका? एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है? इट इज हार्ड। अब देखिए इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हार्ड, आपसे पूछा गया हार्ड क्या है। अगर आप लिखते हैं जैसे राम इज गुड, इट इज नाइस, तब बोलते हैं राम अच्छा है। कौन अच्छा है? राम। तो राम को क्वालिफाई कौन कर रहा है? गुड। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला? एडजेक्टिव। इट इज नाइस, क्या अच्छा है? इट। इट क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में देखिए, इट इज हार्ड। हार्ड क्या है? इट। इट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? तो जैसा यूज करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो हार्ड लिखा है, हार्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। मैन हु वर्क्स हार्ड, है ना।
आदमी जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? वर्ब की। क्या हो रही है? वर्ब की। और कैसा काम? हार्ड। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडवर्ब। ठीक है, तो आप ये याद रखें, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटिल लर्निंग इज अ। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप सॉल्व करें तो आप वर्ब को देखिए। वर्ब से पहले हमेशा आपको बोला है क्या आता है? नाउन। तो ये जो लर्निंग है बेटा क्या है? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ जो लिटिल लिखा हुआ है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है ना? इसमें कोई वो मत रखिएगा, आप हमेशा वर्ब को देखिए। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है ना, या वर्ब से जो पहले आता है वो आपका नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ जो लिटिल लिखा हुआ है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। ही इज लिटिल नोन हियर, है ना, वह यहाँ ना के बराबर जाना जाता है, थोड़ा जाना जाता है, कहने का मतलब हुआ। कितना जाना जाता है? तो जाना जाना जाता है मतलब पहचाना जाता है, मतलब ये वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला आपका क्या रहता है? तो आप बोलेंगे ये क्या रहता है? एडवर्ब। क्या रहता है? एडवर्ब। तो यहाँ जो लिटिल है वो क्या है? एडवर्ब। और इससे पहले लिटिल क्या था आपका? एडजेक्टिव। इट मैटर्स लिटिल, कितना मैटर करता है? तो लिटिल। तो आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, ये मैटर्स क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या मिला? वर्ब मिला। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये क्या है आपका? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्योंकि वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो आपका क्या रहेगा? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव लॉन्ग थॉट, है ना। अब यहाँ देखिए आई को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, आई लंबा नहीं है, उसकी जो थॉट है ना वो कैसी है? लंबी है। तो थॉट क्या है बेटा? वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ जो लॉन्ग लिखा है वो क्या है आपकी? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट, है ना, इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट। अब यहाँ पे जो बोला गया है, इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट, है ना, लंबा समय हो गया जब से हम मिले थे, सिंस वी मेट। जब हम बात करते हैं इट इज लॉन्ग, है ना, अब देखिए इट हम यूज कर रहे हैं जो टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, एज इट इज टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो लॉन्ग है वो क्या है आपका? इट इज लॉन्ग, मतलब इट जिसके लिए भी हम बोल रहे हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर बात करते हैं इट इज लॉन्ग, तो यहाँ जो लॉन्ग लिखा हुआ है ये इट के लिए यूज नहीं कर रहा है कि लंबा समय हो गया है ऐसा। तो यहाँ जो लॉन्ग लिखा है वो आपका क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जब से हम मिले, है ना, तो वो क्या लंबा समय हो गया, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है रन, रन क्या है आपकी? वर्ब। रन क्या है आपकी? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे नाउन। और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ रन क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई नाउन, वर्ब से पहले। अब नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो कहाँ रहता है? अभी भी उसी घर पे रहता है। कहाँ रहता है? अभी भी उसी घर पे रहता है। लिव्स को क्वालिफाई कर रहा है, लिव आपकी क्या है? वर्ब। और आपको पता है वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो आपका स्टिल क्या है आपकी? एडवर्ब हो, क्योंकि वो वर्ब के मीनिंग में एड कर रहा है स्टिल, अभी भी वहां रहता है। That boy gives any amount, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं कि वह लड़के ने क्या दिया, क्या देता है? तो amount। Amount क्या हुआ आपका? Noun। और noun से जो पहले आता है वो आपका क्या कहलाता है? Adjective। क्योंकि what का आंसर मिला amount में, तो amount क्या हो गया आपकी? Noun। और noun को qualify जो करता है वो आपका क्या रहता है? Adjective। Next question आते हैं, अब देखिए इस चीज को समझिएगा, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसी को हम पहले अफर्मेटिव बना लेते हैं, दैट इज एनी, एनी हाँ जी, और लिखा हुआ है बेटर। जब आप बोलेंगे कि व्हाट इज बेटर, तो बेटर जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? दैट को। दैट क्या है आपका? प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका क्या रहता है? एडजेक्टिव रहता है। तो आपको ये चीज पता है कि जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो क्या रहता है आपका? एडवर्ब। तो यहाँ कोई डाउट ही नहीं आना आपको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। तो ये जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाया आपका? एडवर्ब। तो यहाँ जो एनी लिखा हुआ है वो क्या है आपका? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
अब देखिए ये बहुत ही इजी हो जाता है जब आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ बेटर मैन। आपको पता है मैन क्या है? आपका नाउन है। और नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज करते हैं? तो ये आपका हो गया आर्टिकल। तो ये स्ट्रक्चर तो याद रखिएगा, आर्टिकल, एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव और नाउन। ये चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं और हेल्पफुल भी रहती है आपके लिए। अब जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, ही नोज बेटर, वो कैसा जानता है? या? अच्छा, तो बेटर क्या है आपका? एडवर्ब। रीजन यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोज, ये क्या है आपकी? वर्ब। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अब जैसे आपने देखा आर्टिकल लगा हुआ, तो आपको एक चीज पता चल गई कि अगर आर्टिकल है तो जो लास्ट में लिखा है वो क्या है आपका? नाउन। और आपको ये भी अच्छे से पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो सोचना ही नहीं है, ये जो लाउड लिखा है ये क्या है आपका? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू नॉट स्पीक सो लाउड। अब जब आप ये सेंटेंस देखते हैं तो एडजेक्टिव को ख्याल मत रखिएगा। रीजन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं। जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आने वाला है। ठीक है, डू नॉट स्पीक लाउड, क्या नहीं बोलूं मैं? तेज नहीं बोलू। तो वर्ब क्या है आपकी यहाँ पे? स्पीक। लाउड क्या है आपका? एडवर्ब। क्या हुआ? एडवर्ब। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो सो लिखा है ये भी आपका क्या है? एडवर्ब। क्योंकि आपको बोला गया है एडवर्ब को और कौन क्वालिफाई करता है? तो अनदर एडवर्ब। तो यहाँ दो एडवर्ब हैं, एक है सो और एक है लाउड। मोस्ट पीपल थिंक सो। आपको बोला गया है जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती सबसे पहले क्या करिए? वर्ब को देखिए। किसको देखें? वर्ब। वर्ब से पहले आपका नाउन, और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? तो एडजेक्टिव। यहां जो लिखा हुआ है मोस्ट वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। लिखा वॉस्ट, व्हाट मोस्ट एनॉयज मी इज हिज ऑब्स्टिनेटी। ठीक है, व्हाट मोस्ट एनॉयज मी, एनॉयज मतलब परेशान करना, जो मुझे बहुत परेशान करती है ना, जो मुझे ज्यादा परेशान करती है। एनॉयज क्या है आपकी? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये ऑब्वियसली क्या हुआ आपका? एडवर्ब। कि आपको ज्यादा परेशान की बात कर रहा है, मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करती है? परेशान, एनॉइस। एनॉइस के साथ में हम यहाँ देखें तो मोस्ट क्या है आपका? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है सम 20 बॉयज वर एब्सेंट। अब जब ये सेंटेंस देखा तो बहुत सारी चीजें मिल रही, तो हम क्या करते हैं ये वर्ब को पकड़िए और चलने दीजिए सीरीज। वर्ब से पहले नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो ये 20 क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव है ना, सॉरी, ये जो सम 20s है ना, सम 20 बॉयज, वर्ब से पहले आपका नाउन, सम 20 है ना, सम 20 पूरा का पूरा आपका कहलाएगा क्या? एडजेक्टिव। पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। रीजन वर्ब देखा, वर्ब से पहले नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कितने बॉयज थे, तो सम 20 बॉयज। तो 20 क्या हो गया आपका? 20, सम 20 तो हो गया आपका एडजेक्टिव, पूरा होगा। 20 भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। अगर 20 बॉयज होता, सम नहीं होता, तो भी क्या रहता? 20 भी एडजेक्टिव। अगर सिर्फ और सिर्फ सम भी रहता, सम भी क्या रहता आपका? एडजेक्टिव। इसलिए दोनों आपके क्या रहेंगे? एडजेक्टिव रहेंगे। आई विल टेक सम बट नॉट ऑल, है ना, मैं कुछ लूंगा। क्या लूंगा? कुछ। तो जब आप ये बोलते हैं कि मैं कुछ लूंगा, तो क्या लूंगा? कुछ। तो आपको पता है व्हाट का आंसर कौन देता है? नाउन। तो ये जो लिखा है आई विल टेक सम, आई विल टेक व्हाट, तो सम, सम क्या है आपका? नाउन। बट ये नाउन ना होकर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? हमारा प्रोनाउन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? प्रोनाउन। क्योंकि सम जो है, सम एनी, ये आपके क्या रहते हैं? प्रोनाउन यूज होते हैं। तो यहाँ जो सम है वो क्या है बेटा आपका? प्रोनाउन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कॉल मी अर्ली। मुझे कब बुलाऊं? पहले। तो बुलाने की बात हो रही है, कॉल वर्ब हुई, और आपको पता वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो आपका क्या रहता है? एडवर्ब। क्या रहता है? एडवर्ब। ठीक, द अर्ली बर्ड कैचेस। ये बहुत इजी हो जाता है जब आप किस पे फोकस करते हैं? वर्ब पे फोकस करते हैं। क्या लिखा है? कैचेस। ये क्या हो गई? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है आपका? नाउन। और आपको पता है नाउन से पहले अर्ली क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले ये यूज हो रहा है आर्टिकल द। तो आपको क्लियरली होगा कि क्या रहता है आपका? आर्टिकल, है ना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के, दैट कैन स्टैंड ओवर, है ना, स्टैंड है। अब देखिए दैट है, कैन है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो प्रोनाउन को ओवर यूज क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना। तो आपको क्लियर है कि ये स्टैंड को ही कर रहा। स्टैंड क्या है आपका?
स्टैंड क्या है आपका? स्टैंड आपकी वर्व है। अब वर्व को जो क्वालिफाई करेगा ये ओवर क्या हुआ आपका? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं एक बार वापस देखिएगा, चीजें क्लियर होंगी, है ना। टेक दिस पार्सल ओवर, ये पार्सल जो है वो कहाँ ले जाऊं मैं? ऊपर। समझिएगा, टेक क्या है आपकी? वर्ब है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? वर्ब है। दिस पार्सल, पार्सल क्या हो गया? नाउन। दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, टेक आपकी वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है, पार्सल आपका नाउन है, एडजेक्टिव हो गया। क्या ले जाऊं मैं ऊपर? तो ये पार्सल, तो ये ऊपर ले जाने की बात कर रहा, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा। किसको क्वालिफाई कर रहा? वर्ब। और आपको पता वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या रहता है? एडवर्ब। क्या रहता है? एडवर्ब। ठीक है, तो ये हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके आगे फिर हमारा जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है उसका भी आपका लेक्चर आएगा, तो उसको भी कंप्लीट करिएगा और उसको भी, और ये आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।